हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज 3 दिसंबर है और मैं अभी तक अपने होटल में ही हूँ। चेकआउट नहीं किया मैंने और चेकआउट मेरा होगा 6 तारीख को। तो ये मेरे को ये जगह बहुत पसंद है, मैं यहीं पे बैठता हूँ, यहीं पे खाना वाना जो भी मैं यहीं पे करता हूँ। और इधर का व्यू क्योंकि बहुत अच्छा आता है, सामने बिल्डिंग्स वगैरह हैं, बहुत अच्छा व्यू आता है। और मैं अभी नहा धो के सब फ्रेश हो चुका हूँ और फटाफट से अब जाता हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने इंक्लूड करा रखा है अपने पैकेज में, फटाफट से अब ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलना भी है मुझे। आज एग्जीबिशन सेंटर जाना है IHF सिल्क क्लासिक देखने के लिए। आज तो है नहीं ऐसे वहाँ, मतलब है वो है क्या बोलते हैं, वेट वगैरह होगा आज सब कुछ। तो मिलते हैं वहाँ से, कुछ गेस्ट हैं उनसे भी मिलना है मुझे। तो अभी फटाफट से चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं। अभी मैंने ब्रेकफास्ट में ये लिया है, फटाफट से इसको ख़त्म करता हूँ और फिर किसी नेक्स्ट चीज़ को ट्राई करेंगे। देन दूसरी बार ये हमने लिया है पनीर पराठा एंड चटनी, तो देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है। देन अब ये आ चुका है जूस एंड एग्स, तो इसे फटाफट से खा लेते। देन ये देखो गाइस, ये स्विमिंग पूल है और मेरा रूम है ये वाला, ये रूम है मेरा। तो अभी तो हमारे पास कॉस्ट्यूम्स है नहीं, तो शाम को हम परचेज करके लाएंगे तो फिर इसमें घूमा जाएगा। अभी मैंने इसी रेस्टोरेंट से, मतलब मेरा इंक्लूड था पैकेज में ब्रेकफास्ट, तो अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने। अब यही होटल एक्सप्लोर करते हैं, अभी थोड़ा टाइम तो है हमारे पास। मैं सोचा था स्विमिंग करेंगे, बट ये देखो ये है मेरा होटल, दिख गया होगा आपको जैसा कि। और ये इधर भी एक बिल्डिंग है तो काफ़ी अच्छा है, प्राइस भी रिजनेबल ही प्राइस है, बट ये सही है। आपको भी आना होगा तो आप आ सकते हो। ये है ठाणे ईस्ट में, देखिए सामने बिल्डिंग्स वगैरह। ये गार्डन हो गया बच्चों के खेलने के लिए, काफ़ी अच्छा है, फार बेटर है इसके प्राइस के हिसाब से। चलो अब चलते हैं हम अपने रूम पर। तो आ चुका हूँ अपने रूम के पास ही, मतलब अब चलते हैं, नहा धो के रेडी हो जाते हैं। ये सारी लाइट ऑटोमेटिक है, मतलब अपने आप बंद हो जाएगा और उसके बाद अपने आप चालू हो जाएगा। ये हमारा रूम है, हेलो यस। हाँ तो गाइस, रेडी हो के अब होटल से निकलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मैंने एक ही दिन की बुकिंग कराई थी। और बट इसमें ना कुछ प्रॉब्लम है इस होटल में, अब छोड़ो बाद में बताऊंगा, कमेंट में पूछ लेना। तो अभी फटाफट से इसको चेकआउट कर। ये होटल सहारा है यहाँ का, ये बहुत, मतलब इसी में सर की कॉन्स्टेंस भी रुका हुआ, और ये मतलब जितने भी एथलीट आए हैं बाहर से वो सब इसी होटल में रुके हुए हैं। और ये ताज हो गया, ये दूसरे वाला ताज है, रियल ताज मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं अब। पहले मीरा रोड जो था वो इतना अच्छा नहीं था, मतलब अच्छा तो था ही, मतलब क्या बताऊँ, मतलब थोड़ा ऑफ हो जाता था वो। बट मैंने अब अपना होटल ले लिया है गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, तो वहाँ चलते हैं।
फाइनली गाइज मैं ताज होटल के पास आ चुका हूँ। आप जैसा देख रहे हैं मेरे पीछे ताज है और ये ताज महल टावर है, तो ये दोनों है। और इधर आपके जस्ट पीछे में आ गया ये गेटवे ऑफ इंडिया, ये हाँ ये है गेटवे ऑफ इंडिया। देन अभी यहाँ पे जाना क्लोज है क्योंकि नेवी डे आने वाला है, इस कारण यहाँ पे आना क्लोज कर रखा है। तो आप देखो इधर में बहुत सारे बोट वगैरह सब कैंसिल है। मैंने सोचा था कि बोटिंग करूँगा बट सब कुछ बंद है। बट सामने का व्यूज देखो भाई, क्या मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है। ये होटल ताज हो गया, बहुत जबरदस्त। और यहाँ पे आपका ये गेट ऑफ इंडिया हो गया और उधर समुद्र है, पर उधर जाना भी ब्लॉक कर रखा है पूरा क्योंकि नेवी डे आने वाला है इसलिए। और वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, तो चलते हैं फटाफट से गाड़ी में और फिर किसी और लोकेशन पे ले चलता हूँ आपको मैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही अभी तक के लिए। और इधर देख रहे हो सारी पुरानी बिल्डिंग है। इधर सारा मतलब इधर बहुत भरा रहता था बट ये इधर ना सब कुछ बंद कर रखा है क्योंकि अब पता ही है, बार बार क्या बोलूँ, नेवी डे आने वाला है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ताज में भी और एक वीडियो आ सकता है मेरे ख्याल से, ताज के अंदर का भी आपको एक वीडियो दूंगा क्योंकि मेरा एक डिनर प्लान हुआ है ताज के अंदर, तो इसलिए आपको एक वीडियो दे सकता हूँ मैं पर्टिकुलर इसके ऊपर। और ये अपना गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, ये सामने पता नहीं क्या है बट ये है ताजमहल टावर। ये ताजमहल टावर है, उधर वो ताज होटल है। तो ये भी बहुत शानदार होटल बना रखा है, इधर देख सकते हैं आप। ये सामने भी ये बिल्डिंग देख रहे हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। गाइस आप देख रहे हैं मेरे पीछे मुकेश अंबानी का घर है एंटीलिया, ये इसको मैं दिखाता हूँ जूम करके क्योंकि उनके घर के आगे अभी फोटो लेना अलाउड नहीं है, पता ही होगा आप सबको। देन ये देखो अभी खोला है, फोटो लेने के लिए खोला था। गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ लता मंगेशकर का घर। लता मंगेशकर का है और आशा भोसले का है। आया था अभी मैं सिद्धि विनायक घूमने के लिए बट यहाँ पे मतलब वो क्या बोलते हैं, एक हफ्ते पहले ही बुकिंग फुल हो चुका है। यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करा के आया जा सकता है जो कि मैंने नहीं कराया, मुझे पता नहीं था, बट ऐसे कोई एंट्री नहीं है। जिसने एक हफ्ते पहले बुकिंग कराया होगा वही जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। तो अनलकीली मुझे वापस रिटर्न जाना होगा बाहर से ही दर्शन करके, वहाँ ऐसे टीवी में चल रहा है शो सब, तो मुझे ऐसे ही जाना होगा। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो विजिट जरूर करेंगे। देख ही रखा है मंदिर पूरा कवर कर रखा है इन्होंने, कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होगा तो इस कारण पूरा बंद है। तो कोई बात नहीं, अब चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे अपने। अच्छा बस ये रहा है रेखा का घर है ये। अच्छा ये शाहरुख खान का बंगला है मन्नत। ये गाइस है शाहरुख खान का बंगला मन्नत, तो देख लो ऐसे, दिस इज मन्नत। यहीं पे आता है, यहाँ पे आता है लेकिन अभी थोड़ी आएगा, अभी मैंने मना कर रखा है उसको तो नहीं आएगा। चलो फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे सामने बीच है जैसा देख रहे हो आप। Guys, this is Galaxy, सलमान खान की बिल्डिंग है ये, लेकिन पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहे मुझे कहीं भी। ये वाली बिल्डिंग है, अभी तक मैं सोचता था कि ये है बट ये नहीं है, ये वाला है। तो चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं, खड़ा होने से क्या फ़ायदा है यहाँ पर। तो गाइज ये जुहू बीच है, जुहू बीच
यहाँ पे देखो ये है रियल बीच वाला फीलिंग की, मतलब देखो कितना मतलब क्राउड है यहाँ पे, देखो गाइस रियल फीलिंग है जुहू वाला। और देखो मैं आपको दिखाऊं, वो देखो वो है ऋतिक रोशन का बंगला। देन मैं अब फट जाता हूँ थोड़ा बहुत हल्का। तो गाइस जुहू भी घूम लिया और अभी अभी मेरा 300 रुपये का चालान कट गया। मास्क मैंने उतार के फोटो खींचने का सोचा और उधर से आ गया पुलिस वाला और पुलिस वाले ने मेरा चालान काट दिया। तो कोई बात नहीं, देखो ये है जुहू बीच। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा, थोड़ी देर में ही सनसेट होने वाला है। गाइस दिस इज अमिताभ बच्चन बंगलो, यहाँ पे खड़ा होने नहीं देगा, यहाँ पे खड़े होने के लिए मना कर रहे हैं गार्ड। चलो कोई नहीं, चलो। धर्मेंद्र का बंगला है, सामने डैनी का देखो। कौन सा? ये डैनी का है, ये डैनी का बंगलो। वही जो विलन था पहले। हाँ, सभी जगह से आने के बाद ये है होटल रूम, जैसा कि देख रहे हो इधर भी है, मेरा रूम यहाँ पे इस साइड में पड़ता है उधर। तो मन कर रहा था स्विमिंग करने का, तो मैंने प्रॉपर इसका एक कॉस्ट्यूम लिया, लगभग 240 के आसपास पड़ा मुझे, और फिर मैंने स्विमिंग किया। तो ये दिखाता हूँ आपको स्विमिंग पूल और रात का स्केप। ये देखो गाइस ये है स्विमिंग पूल और यहाँ पे सेफ्टी का पूरा ध्यान हमने इससे उधर किया था, क्योंकि उधर 3 फीट है पर इधर 9 फीट है, इधर कुछ ज़्यादा गहरा है नीचे। और ये हमारा होटल है, इधर भी है। देन अब चलते हैं रूम में फटाफट से, अब मतलब पूरे बॉडी में पेन हो रहा है क्योंकि पूरे दिन कुछ खाया नहीं, मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था ओनली, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया सुबह से, ऐसे ही हूँ क्योंकि मन ही नहीं किया उसके बाद करने का। तो मैंने मॉर्निंग में भी आपको दिखाया था सारा कुछ। तो चलते हैं होटल, मतलब रूम में चलते हैं। गैस बहुत दिन हो गए थे कुछ स्ट्रीट फूड नहीं खाया था मैंने, तो बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था। तो फिर मैं अपने होटल रूम से निकल के आया और यहाँ पर ये मोमोज खाऊँगा, देन उसके बाद चलते हैं घर। तो गाइस ये रहा मोमोज, देखने में तो सही लग रहे हैं, खा के देखते हैं कैसे।